हमारा थर्ड टॉपिक है द इंटर वॉर इकोनॉमी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो मेनली जो है यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका असर जो है पूरी दुनिया में देखा जा सकता था। जो शुरुआत का फर्स्ट हाफ रहा 20th सेंचुरी का, उसमें जो परेशानियां झेलनी पड़ी उससे निकलने के लिए आगे के 3 दशक और लग गए। इस पीरियड के दौरान पूरी दुनिया को आर्थिक और राजनीतिक तौर पे अस्थिरता देखनी पड़ी, साथ ही साथ एक और तबाही वाला जो युद्ध है वो भी झेलना पड़ा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो आप जानते हैं दो पावर ब्लॉक्स के बीच में हुआ था। एक तरफ अलाइज थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया शामिल थे और बाद में उन्हें यूएस ने ज्वाइन कर लिया था, और दूसरी तरफ जो है सारी सेंट्रल पावर्स थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की शामिल था। जब इस वॉर की शुरुआत हुई थी अगस्त 1914 में, तो सबको ये उम्मीद थी कि ज्यादातर ये क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 साल से भी ज्यादा चला। इस तरीके का जो युद्ध था अब से पहले लड़ा नहीं गया था। इस लड़ाई में जो दुनिया की सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल नेशंस थे वो शामिल थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी जो बेस्ट से बेस्ट ताकत है उसको लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने दुश्मनों को तबाह कर सके। तो ये सबसे पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। इसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, इन सब का बहुत भारी स्तर पे इस्तेमाल किया गया, और जो बहुत बड़ी मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उसमें ये जो प्रोडक्ट्स थी ये बढ़ती जा रही थी। लड़ने के लिए युद्ध में लाखों की संख्या में जो सोल्जर्स थे उनको नियुक्त किया जा रहा था पूरी दुनिया से, और उनको जो है बॉर्डर पे भेजा जा रहा था बड़े बड़े शिप्स में, ट्रेन्स में भर भर के। जो डेथ हो रही थी, तबाही हो रही थी, वो इतनी ज्यादा थी कि लगभग 9 लाख लोग मारे गए और लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए थे। इंडस्ट्रियल एज से पहले ऐसा सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज्यादा इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था जो इंडस्ट्रीज में बन रहे थे। ज्यादातर जो उसमें लोग मारे गए वो जो है एक काम करने वाली एज के जो लोग होते हैं वो मारे गए थे। इससे क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो काबिल लोग होते हैं, उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है बहुत कम हो गई। अब बहुत कम लोग जो है वो फैमिली के अंदर रह गए थे और उनकी जो इनकम्स थी वो बहुत कम हो गई थी युद्ध के बाद। इस वॉर के दौरान इंडस्ट्रीज को जो है दोबारा बनाया जा रहा था ताकि वो जो है जो भी वॉर से रिलेटेड चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। पूरी की पूरी सोसाइटीज जो है उनको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था वॉर के लिए। जैसे आर्मी लोग जो है वो बैटल में जाएंगे लड़ने, वुमेन जो है वो उनके कामों को ले लेंगी जो पहले सिर्फ आदमियों से उम्मीद करी जाती थी कि वो ही लोग करेंगे। जो आर्थिक तौर पे लिंक बने थे, संबंध बने थे बड़ी बड़ी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक पावर्स थी उनके बीच में, अब वो जो है टूट रहे थे क्योंकि ये दोनों जो है आपस में ही एक दूसरे से लड़ रही थी। ब्रिटेन जो है उसने बहुत सारा पैसा जो है यूएस बैंक से उधार लिया, साथ ही साथ यूएस पब्लिक से भी। तो वॉर ने जो है यूएस को अब एक इंटरनेशनल डेप्टर की जगह इंटरनेशनल क्रेडिटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो अभी तक जो है कर्ज लेने वाला था अब वो कर्ज देने वाला बन गया। दूसरे शब्दों में जब वॉर खत्म हुआ तो जो यूएस था और उसके जो नागरिक थे अब उनको जो है बहुत ज्यादा उनके पास चीजें आ गई थी फॉरेन गवर्नमेंट्स के मुकाबले या लोगों के मुकाबले। कहने का मतलब यह है कि जब वॉर खत्म हुआ तो यूएस जो है वो इतना ताकतवर हो गया कि उसके पास चाहे सारी दुनिया की गवर्नमेंट हो या लोग हैं उनके पास उतनी चीजें नहीं थी जितनी यूएस या यूएस के लोगों के पास थी। वॉर के बाद की जो रिकवरी होती है वो काफी मुश्किल भरी रही ब्रिटेन के लिए। वॉर से पहले ब्रिटेन एक लीडिंग इकोनॉमिक कंट्री थी, लेकिन जब वॉर खत्म हो गया उसके बाद उसे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ ब्रिटेन जो है वॉर में बिजी था, वहीं इंडस्ट्रीज इंडिया और जापान में डेवलप हो रही थी। अब जब वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन को बड़ी मुश्किल पड़ी कि जिस तरह से पहले उसने इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बना रखी थी उसको दोबारा हासिल कर सके या जापान के साथ इंटरनेशनली वो कम्पीट कर पाए। दूसरी तरफ क्या हुआ कि ब्रिटेन ने इस वॉर के खर्चे को उठाने के लिए यूएस से काफी ज्यादा उधार ले लिया था। तो मतलब क्या हुआ कि जब वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन जो है पूरी तरह से कर्जे के बोझ से दब गया था।
जहाँ एक तरफ वॉर की वजह से इकोनॉमिक बूम आया कि डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वहीं जब वॉर खत्म हुआ तो प्रोडक्शन भी कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब गवर्नमेंट ने उस समय जो दाम इतने ज्यादा ऊंचे हो गए थे वॉर के टाइम पे, वो फिर दोबारा बराबर लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है रिड्यूस कर दिए। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। 1921 में लगभग हर 5 ब्रिटिश वर्कर्स में से एक को बाहर निकाल दिया जा रहा था। लोगों में गुस्सा था, तनाव था, अस्थिरता आ रही थी काम को लेकर, और ये जो है एक तरह से वॉर के बाद का कॉमन सीन देखने को मिल रहा था। बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इकोनॉमीज थी वो भी मुश्किल में आ गई थी। अब वीट प्रोड्यूसर्स की ही बात ले लें, वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर था वीट का पूरी दुनिया में, लेकिन जब ये वॉर के दौरान सप्लाई थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई, रोक दी गई, तो जो वीट प्रोडक्शन कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वो बढ़ने लग गया। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ ईस्टर्न यूरोप में फिर ये प्रोडक्शन रिवाइव कर गया। अब इससे क्या हुआ, जो वीट थी उसकी जो है बहुत ज्यादा भरमार हो गई, ग्रेन के प्राइसेस गिर गए, जो रूरल में लोग रहते थे उनकी इनकम खत्म हो गई, और यहाँ तक कि फार्मर्स जो है वो और ज्यादा कर्जे में डूब गए। वो तो थी ब्रिटेन की बात, अब हम बात करते हैं यूएस की। यूएस में रिकवरी बहुत तेजी से हुई। अभी हमने ये पहले ही देख लिया था कि किस तरीके से वॉर की मदद से यूएस की इकोनॉमी बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। थोड़े बहुत जो हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई जो वॉर के बाद होती हैं, लेकिन यूएस ने फिर भी अपनी पूरी तरह से एक पकड़ बना ली, ग्रोथ बना ली थी 1920s में। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यूएस इकोनॉमी का 1920s का रहा वो था मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा एक ही चीज को बनाना। अब ये जो मास प्रोडक्शन की तरफ पहल थी इसकी शुरुआत लेट 19th सेंचुरी में ही हो गई थी, लेकिन 1920 में जो है क्या हुआ, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यूएस में एक मुख्य फीचर बन गया था। जो सबसे जाने माने पायनियर है मास प्रोडक्शन के वो थे कार के मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। उन्होंने जो है शिकागो का जो स्लॉटर हाउस था वहां पर जो असेंबली लाइन सिस्टम था उसको जो है अपना लिया था। स्लॉटर हाउस में क्या होता था कि जो मतलब जो मरे हुए जानवर हैं इनको बूचर्स द्वारा ले जाया जाता था जैसे ही वो कन्वेयर बेल्ट पे आते थे। तो सेम चीज इन्होंने जो है अपने जो नया कार प्लांट लगाया डेट्रॉइट में उसमें अपनाई। उनको ये एहसास हुआ कि ये जो असेंबली लाइन मेथड है इससे क्या होगा, एक तो चीजें जो है बहुत तेजी से होंगी, प्लस सस्ता तरीका रहेगा व्हीकल्स को बनाने में। इस असेंबली लाइन मेथड की वजह से जो वर्कर्स थे उनको एक ही काम को जो है बार बार मैकेनिकली रिपीट करना था और लगातार करना था। जैसे एक पर्टिकुलर पार्ट है कार का, उसे फिट करना है, उसी स्पीड पे करना होगा जिस स्पीड पे वो कन्वेयर बेल्ट पे आ रहा है। इससे क्या होगा कि जो आउटपुट है हर वर्कर का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको स्पीड के अकॉर्डिंग जो है अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े होकर कोई भी वर्कर जो है मोशन में डिले नहीं कर सकता, कोई ब्रेक नहीं ले सकता, या अपने जो साथ के आदमी खड़े हैं उनके साथ फ्रेंडली बात नहीं कर सकता। रिजल्ट क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड की जो कार थी वो अब ये असेंबली लाइन जो 3 मिनट इंटरवल पे था उससे आ रही थी, एक ऐसी स्पीड से जो अभी तक पिछले मेथड्स द्वारा उतनी जल्दी हासिल नहीं की जा सकती थी। तो जो टी मॉडल फोर्ड थी वो वर्ल्ड की सबसे पहली मास प्रोड्यूस्ड कार थी। शुरू में वर्कर्स जो फोर्ड फैक्ट्री में थे वो इस इतनी हार्ड हेक्टिक वर्क जो था असेंबली लाइंस का उसके को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, नहीं उनसे हो पा रहा था मैनेज, तो उन्होंने जो है क्या किया, बहुत सारे नौकरी छोड़कर चले गए। अब फोर्ड क्या करें, उन्होंने क्या किया, जो उनको डेली वेज मिलता होगा उसको डबल कर दिया। वर्कर्स का डेली वेज जो होता है, डेली जो उनको पैसे मिलते हैं वो डबल कर दिए, लगभग $5 कर दिए January 1914 में। उसी समय उन्होंने और भी किया कि उनके प्लांट्स में जो भी ट्रेड यूनियंस बन रही थी उनको भी बैन कर दिया। तो हेनरी फोर्ड ने जो दाम बढ़ाए, मतलब जो उनके पैसे बढ़ाए, वेतन बढ़ाया, उससे क्या हुआ, उनको भाई अपने काम को निकालने के लिए उन्हें पैसे बढ़ाने पड़े। अब ये जो पैसे उन्होंने बढ़ा दिए वो कैसे वसूले, तो उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोडक्शन लाइन थी इसकी जो स्पीड थी उसको वैसे ही एक तो रिपीटेड चल रही थी, दूसरा वर्कर्स को मजबूर किया कि वो और ज्यादा मेहनत से काम करें, इतना ज्यादा कि एक बार उनको खुद भी ये कहना पड़ गया कि हाँ उनका जो डिसीशन था कि वो डेली वेजेस को डबल कर दें शायद अब तक का बेस्ट डिसीशन था जो उन्होंने लिया होगा। जिस तरह का फोर्ड का इंडस्ट्रियल तरीका था काम करने का वो धीरे धीरे यूएस में फैल गया, और फिर इसकी कॉपी जो है यूरोप में भी करी जाने लगी 1920 में। मास प्रोडक्शन की वजह से
जो कॉस्ट और प्राइस थे, जो इंजीनियरिंग गुड्स थे, उनके वो कम होने लग गए। अब वेतन बढ़ गया था तो सारे के सारे वर्कर्स या ज्यादातर वर्कर्स जो हैं वो जो एक लग्जरी मानी जाती हैं चीजें उनको खरीद सकते थे, जैसे कार। कार प्रोडक्शन जो यूएस में था अब वो 2 मिलियन था 1919 में और वो 5 मिलियन से ज्यादा हो गया था 1929 तक आते आते। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामाफोन प्लेयर, इन सब के भी जो परचेजिंग थी उसमें उछाल आया था और ये सब हो रहा था हाई परचेज मेथड के थ्रू। मतलब आप क्रेडिट पे जो है चीज को ले लें और फिर मंथली या वीकली इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे अदा कर दें। तो डिमांड जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इन सब की थी, अब ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी तो इसको भी जो है पूरा करा जा रहा था लोन्स लेकर। तो ये जो हाउसिंग और कंज्यूमर बूम आया 1920 का, इस ये जो है मेन कारण बना जिससे यूएस जो है काफी संपन्न हो गया। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो है हाउसिंग में या हाउस से रिलेटेड चीजों में किए जा रहे थे, उससे क्या हो रहा था, एक इम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, इनकम्स लोगों के लिए जनरेट हो रही थी, कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती जा रही थी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे थे और ज्यादा इम्प्लॉयमेंट हो रहा था, उससे लोगों को इनकम मिल रही थी। 1923 में यूएस जो है वो पूरी दुनिया में अपने जो कैपिटल है उसको एक्सपोर्ट कर रहा था, साथ ही साथ जो है वो सबसे बड़ा ओवरसीज लेंडर बन गया था। यूएस का ये जो इम्पोर्ट था और उसके कैपिटल का जो एक्सपोर्ट था, उससे यूरोपियन रिकवरी बहुत तेजी से हुई, वर्ल्ड ट्रेड और इनकम ग्रोथ जो है वो अगले 6 सालों में काफी तेजी से हो गई थी। लेकिन जब तक चल रहा था अच्छा तब तक तो बढ़िया था, 1929 में वर्ल्ड में पूरे एक डिप्रेशन आया और ये एक ऐसा डिप्रेशन था जो आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया था। इस जो ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत है ये 1929 में हुई और लगभग मिड ऑफ द 1930 तक चला। इस पीरियड के दौरान जो अलग अलग हिस्से थे दुनिया के उनको काफी ज्यादा भयानक एक डिक्लाइन देखना पड़ा, पैदावार में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में या ट्रेड में। हर कंट्री में अलग अलग तरीके से इसका टाइमिंग रहा और असर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो खराबी हुई या सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या उनसे रिलेटेड कम्युनिटीज को, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो गिरते चले जा रहे थे और काफी लंबा ये चला बजाय उन प्राइसेस के जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के थे। अब ये जो डिप्रेशन हुआ था इसके कई सारे कारण रहे, मतलब ये कॉम्बिनेशन रहा कई सारे कारण का। सबसे पहले तो हमें यही पता है कि वॉर के बाद इकोनॉमिक स्थिति जो है काफी नाजुक थी। सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, उससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो गिरते चले जा रहे थे। अब जहां एक तरफ प्राइसेस गिर रहे थे, एग्रीकल्चर इनकम खत्म हो रही थी, वहीं फार्मर्स ने कोशिश करी कि क्यों ना पैदावार को बढ़ाया जाए और उसकी ज्यादा से ज्यादा जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में लाया जाए ताकि हमारी इनकम जो है उसको मेंटेन कर सके। इससे क्या हुआ, मार्केट में जो है बहुत ज्यादा भरमार हो गई, उससे प्राइसेस और ज्यादा गिर गए। अब फार्मर्स का जो पैदावार थी वो सड़ रही थी, इसलिए क्योंकि उसके लिए कोई खरीदार नहीं था। दूसरा क्या हुआ, मिड 1920s में बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट थे वो फाइनेंस कर रहा था लोन के थ्रू, जो कि उन्हें यूएस से मिल रहा था। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोन को लेना बहुत आसान था यूएस के अंदर, और जो यूएस के ओवरसीज लेंडर्स थे जब उन्होंने पहला मुश्किल भरा साइन देखा तो वो लोग थोड़े से सकते में आ गए। फर्स्ट हाफ जो था 1928 का, यूएस का जो ओवरसीज लोन था वो लगभग $1 बिलियन के करीब हो गया था, उससे ज्यादा ही हो गया था, लेकिन एक साल बाद ही वो 1/4 रह गया, यानी 1/4 रह गया। वो कंट्रीज जो पूरी तरीके से डिपेंड कर रही थी यूएस के लोन्स पर, अब उनको सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। जो यूएस लोन का ये जो विड्रॉल हुआ, उन्होंने वापस जो खींच लिया, इससे बाकी जो दुनिया थी उसमें बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा अलग अलग तरीकों से। जैसे यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े बैंक्स थे वो फेल हो गए, जो करेंसी थी जैसे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग वो पूरी तरह से खत्म हो गई। लैटिन अमेरिका में या और बाकी जगहों पे जिस तरह से एग्रीकल्चर में जो है प्राइसेस गिर रहे थे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर रहे थे, वो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। यूएस एक तरफ कोशिश कर रही थी कि अपनी इकोनॉमी को बचा ले डिप्रेशन में, उसलिए उसने क्या किया कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी उनको डबल कर दिया, इससे क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड में और बड़ा झटका आया। यूएस जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री थी जिसके ऊपर इस डिप्रेशन का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। जहां एक तरफ प्राइसेस गिर रहे थे
और डिप्रेशन हो रहा था वहीं पर जो यूएस बैंक्स थे उन्होंने क्या किया, लोन देने जो थे वो कम कर दिए और लोन्स वापस लेने शुरू कर दिए। अब फार्मर्स जो थे या जो फार्म पे लोग थे वो अपनी जो पैदावार थी, फसल थी, उसको बेच नहीं पा रहे थे, घर बर्बाद हुए जा रहे थे, बिजनेस ठप हो रहे थे। जहां एक तरफ इनकम गिरती चली जा रही थी, बहुत सारे जो घर परिवार थे यूएस के अंदर वो नहीं हो पा रहा था उनसे कि जो भी उन्होंने उधार लिया है उसको चुका पाए, और इसी वजह से उनको अपने घर छोड़ने पड़ रहे थे, कार थी और जो चीजें थी उनको जो है मजबूरी में उन सबको छोड़ना पड़ रहा था। 1920 में जो एक संपन्नता थी यूएस की वो जो है धूल के झोंके में जैसे कहते हैं गायब हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी, लोग जो है दूर दूर से आ रहे थे कि कहीं कुछ काम मिल जाए। अल्टीमेटली जो यूएस का बैंकिंग सिस्टम था वो भी जो है कोलैप्स कर गया। जो इन्वेस्ट किया था उसको रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लोन्स नहीं ले पा रहे थे, जो डिपॉजिटर्स थे वो रीपे नहीं कर पा रहे थे, हजारों बैंक्स जो है वो दिवालिया हो गए थे और मजबूर हो गए थे कि उनको बंद कर दिया जाए। 1933 में लगभग 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए थे और 1929 से 1932 तक आकर आते आते लगभग 110,000 कंपनीज जो थी वो खत्म हो गई थी। पर 1935 के आते आते फिर रिकवरी जो है वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल कंट्रीज में शुरू हुई। लेकिन ये जो ग्रेट डिप्रेशन का था इसका जो असर था वो सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन सब पे पड़ा, यहाँ तक कि लोगों के दिमाग पर, और वो जो है काफी गहरा असर था। अगर हम इंडिया के ऊपर इस डिप्रेशन का असर देखें तो हमें फौरन समझ में आता है कि किस तरीके से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक तरह से जुड़ी हुई थी शुरुआत में अर्ली 20th सेंचुरी की कह सकते हैं। जहां एक तरफ वर्ल्ड के हिस्से में प्रॉब्लम आई तो उसको हम दूसरे हिस्सों में भी महसूस कर सकते थे, जिससे लोगों की जिंदगी पे, इकोनॉमी पे या सोसाइटीज पे पूरे पे असर पड़ रहा था। 19वीं सेंचुरी के दौरान आपने जानते ही कि कॉलोनियल इंडिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था एग्रीकल्चर गुड्स का, और बाहर से जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी वो इम्पोर्ट करी जा रही थी। अब डिप्रेशन की वजह से इंडियन ट्रेड पर भी असर पड़ा। जो इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो लगभग आधा रह गया 1928 से 1934 के दौरान। इंटरनेशनल जो दाम थे वो जहां एक तरफ गिर रहे थे वहीं इंडिया में भी जो दाम थे वो भी गिरने लग गए। 1928 से 1934 के बीच में जो गेहूं के दाम थे वो लगभग 50% नीचे गिर गए। जो लोग गांव में रहते थे या जो किसान वगैरह थे वो शहर वाले लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा परेशान हो रहे थे। जहां एक तरफ जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से गिर रही थी, वहीं जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया कि जो भी उनकी रेवेन्यू की डिमांड्स है उनको वो कम नहीं करेगी। अब किसान जो वर्ल्ड मार्केट के लिए पैदा कर रहे थे चीजों को, उनको सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर हम जूट प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं बंगाल के। ये लोग जो है रॉ जूट को उगाते थे, फिर इसको प्रोसेस किया जाता था फैक्ट्री में और एक्सपोर्ट किया जाता था गनी बैग्स के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही ये गनी का एक्सपोर्ट कोलैप्स हुआ, जो रॉ जूट थे उसके प्राइसेस जो हैं 60% से ज्यादा गिर गए। अब जिन लोगों ने, जिन किसानों ने उधार लिया था कि चलो आगे चल के हमारे अच्छे दिन आएंगे, उनको जो है अपनी या उन्होंने अपनी जो पैदावार है वो बढ़ाने के लिए कि ज्यादा पैसा मिलेगा, उनको सबसे ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ी, क्योंकि उनको सबसे कम दाम मिल रहे थे और वो और ज्यादा भारी कर्जे में जूट गए, जैसे कहने चाहिए ना डूब गए थे। पूरे भारत में किसानों का जो कर्जा था वो बढ़ता चला जा रहा था। उन्होंने अपनी सारी जो बचत थी, जो जमीन जो है गिरवी रखी हुई थी वो सब कर दिया, अपनी ज्वेलरी बेच दी, अपने कीमती जो मेटल्स वगैरह हैं वो सब बेच दिए ताकि उन खर्चों को पूरा कर सकें। ये जो डिप्रेशन वाले साल थे इसमें इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बना जो कीमती मेटल्स होते हैं, खासतौर से गोल्ड उनका। जो सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मैनार्ड केनिस, उन्होंने सोचा कि इंडिया का जो गोल्ड है अगर उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जो है ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को फायदा मिलेगा और इससे जो है ब्रिटेन की रिकवरी जो है वो भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अपने लिए तो किया, लेकिन इंडियन किसानों के लिए उन्होंने बहुत कम किया। जो गांव वाला हमारा इलाका होता है इंडिया के अंदर, अब उसमें जो है उत्तेजना बढ़ने लग गई थी जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, जो चरम सीमा पे था जब डिप्रेशन 1931 में उस टाइम पे। इस डिप्रेशन की वजह से जो अर्बन की साइड यानी शहर में जो लोग रहते थे उनको बहुत कम परेशानी झेलनी पड़ी,
जहां एक तरफ दाम गिर रहे थे तो जिन लोगों की फिक्स्ड इनकम थी, जैसे कह लो जो टाउन में लोग रहते थे, जो लैंड ओनर्स थे जिनको किराया मिलता था, या जो मिडिल क्लास के सैलरीड एम्प्लॉयज थे, उनको जो है अब बेटर महसूस हो रहा था क्योंकि सबकी चीजों की दाम जो है वो कम होते जा रहे थे। इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो बढ़ता जा रहा था क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने अपना जो टैरिफ होता है यानी जो एक कर होता है प्रोडक्शन का इंडस्ट्रीज के लिए, वो बढ़ा दिया था। और ये हुआ था नेशनलिस्ट ओपिनियन की वजह से, उसके दबाव में आकर जो है इनको टैरिफ जो था इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन के वो बढ़ाना पड़ा था। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है द रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी अ पोस्ट वॉर एरा। ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में।